हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेसन में हम देखेंगे कि तो आ गए हम सॉन्ग कैसे गिटार पर प्ले करते हैं। इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको तीन कॉर्ड आना बहुत ही ज़रूरी है। पहला कॉर्ड है ए मेजर, दूसरा कॉर्ड है डी मेजर और तीसरा कॉर्ड है ई मेजर। अगर आपको ये तीन कॉर्ड आते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से इस सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसका स्ट्रमिंग पैटर्न क्या होगा। इसका स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ इस टाइप का होगा। साउंड ब्लॉक करके बता देता हूँ मैंने क्या स्ट्रमिंग पैटर्न लिया है। तो जो मेरे स्टार्टिंग के जो तीन डाउन स्ट्रोक है वो मेरे फिफ्थ, फोर्थ और थर्ड, ये तीन स्ट्रिंग पे मैंने प्ले करे हैं। तो ब्रेक करके देखेंगे पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न कैसा है। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। डाउन डाउन डाउन, जो मेरे स्टार्टिंग के तीन स्ट्रिंग है आपको आई होप दिख रहा होगा। स्टार्टिंग के जो तीन स्ट्रिंग है इस पर मुझे छोटे डाउन स्ट्रोक लेना है। सारे स्ट्रिंग पे नहीं लेना है, सिर्फ तीन ही स्ट्रिंग पे लेना है। तो कुछ ऐसी आवाज आएगी, डाउन 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 मींस। और जो हमारा फोर्थ वाला स्ट्रोक है वो बड़ा है, उसके अंदर हमारे को पूरे स्ट्रिंग पे लेना है, सिर्फ ऊपर का स्ट्रिंग छोड़कर, ई स्ट्रिंग छोड़कर। तो कैसी आवाज आएगी, डाउन 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 डाउन। स्टार्टिंग के तीन जो डाउन है वो छोटे हैं और फोर्थ वाला डाउन है वो मेरा बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं आगे आगे क्या प्ले करना है इससे स्ट्रमिंग पैटर्न में। अब आता है हमारा फिफ्थ स्ट्रोक। जो हमारा फिफ्थ स्ट्रोक होगा वो होगा छोटा और जो हमारा सिक्स्थ स्ट्रोक होगा वो होगा हमारा बड़ा। मैं आपको एक बार प्ले करके बताता हूँ। डाउन 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 डाउन। साउंड ब्लॉक करके बताता हूँ, डाउन 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 डाउन। मतलब वन टू थ्री फोर वाला मेरा बड़ा, फिफ्थ वाला डाउन मेरा छोटा और सिक्स्थ वाला डाउन मेरा बड़ा। तो ये है इसका स्ट्रमिंग पैटर्न। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ आवाज कैसे आएगी। तो ये है इसका स्ट्रमिंग पैटर्न। इस सॉन्ग में मैंने एक और स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ किया है। चलिए देख लेते हैं मैंने कौन सा स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ किया है। तो इस सॉन्ग का जो स्ट्रमिंग पैटर्न दूसरा है वो मैंने कुछ इस तरीके से लिया है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। मैं साइड में लिख कर बता दूंगा क्या मैंने यूज़ किया है एकदम ब्रेक करके, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो एक बार मैं प्ले करके बता देता हूँ। दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न। सबसे पहले जब हम इस सॉन्ग को शुरू करेंगे तो हमारा जो पहला वाला स्ट्रमिंग पैटर्न था, डाउन 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 डाउन, इस स्ट्रमिंग को लेके हमें स्टार्टिंग का सॉन्ग की जो तीन या चार लाइन है उसे गाना है। उसके बाद हमें सेकंड वाला जो स्ट्रमिंग पैटर्न है जो मैंने अभी आपको बताया उसको आपको यूज़ करना है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैं एक बार इस सॉन्ग को गाकर भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कौन सी लाइन पर कौन सी कॉर्ड लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग में कुछ लाइन है, तू ही जहन में सामो सवेरे तेरे लबों पे बात है। ओके, सो इसको कैसे प्ले करेंगे। जो स्टार्टिंग की पहली लाइन है, सवेरे तेरी लबों पे बात है। तो जो स्टार्टिंग की दो लाइन है, तू ही जहन में सामो सवेरे, हमें ए मेजर कॉर्ड पे प्ले करना है। और जो बात है करके जो जो गाया है वो है हमारा डी मेजर। मैं एक बार गा के बताता हूँ स्ट्रमिंग के साथ। तू ही जहन में सामो सवेरे तेरी लबों पे
गाने की जो आगे की लाइन है वो कैसे प्ले करना है। लाइन है, तुझसे मिला हूँ जिस जगह पे अब वो जगह भी खास है। तो तुझसे मिला हूँ जिस जगह पे, ये हमारी आएगा ए मेजर कॉर्ड। और अब वो जगह भी खास है वो आएगा हमारा डी मेजर कॉर्ड। चलिए गा के देखते हैं। लाइन देखते हैं, उसकी तरफ ले जाते हैं, उसकी तरफ ही आएगा ए मेजर कॉर्ड और ले जाते हैं आएगा डी मेजर कॉर्ड। और फिर आगे की लाइन है, मुझको ये मेरे कदम, मुझको ये मेरे में आएगा ए मेजर और कदम में आएगा हमारा ई मेजर कॉर्ड। अच्छे से देखते हैं, उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम। तो आ गए लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।